हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मैं नेहा आज आप लोग के सामने फिर से आई हूँ, और मैंने कहा था कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो एक स्पेशल टॉपिक कह लें या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, हमेशा आते हैं, और अगर आपने उन क्वेश्चंस को याद कर लिए तो फिर 3 नंबर आपके बिल्कुल सेफ हैं एग्ज़ाम में। और जो एकेडमिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत शॉर्ट में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इस बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो वैक्सीन के ऊपर है। वैक्सीन जो है वो क्या होती है, वैक्सीन का टाइप्स क्या है, क्या डिफरेंस है, और वैक्सीन जो है वो लाइव और किल्ड कौन सी है, मिक्स कौन सी है, क्या कॉम्पोनेंट्स है, और क्या एडवर्स इफेक्ट है वैक्सीन के, इन चीज़ों के बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और कॉपी पेन भी लेके साथ में आप लोग बैठो। जो चीज़ें आपको इसमें ज़रूरी लगती हैं आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करो, और बार 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 उसको रिवाइज करो, क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को लेके। तो सबसे पहला जो है, वैक्सीन होता क्या है? तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड द अडॉप्टिव एक्टिव यूनिटी टू द बॉडी। एक तरीके का बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, मतलब जीवित किसी एजेंट से या जीवित लिया गया है जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम इम्यूनिटी वर्ड इसमें आया तो इम्यूनिटी भी समझ लेते हैं लगे हाथ। इम्यूनिटी इज अ रेसिस्टेंट पावर ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी जो है उस रोग प्रतिरोधक से लड़ने के लिए जो बॉडी का पावर है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। जो हमारा वैक्सीन है वो 2 तरीके का होता है, एक लाइव वैक्सीन और एक किल्ड वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन जो होती है ना, वो लाइव एजेंट से जो वैक्सीन ली गई है उसको हम लाइव वैक्सीन कहते हैं। किल्ड वैक्सीन जो कि किल्ड एजेंट से ली गई है उसको हम बोलते हैं। लाइव वैक्सीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है रेदर देन द किल्ड वैक्सीन। लेकिन किल्ड वैक्सीन इज अ स्टेबल एंड सेफ वैक्सीन, लाइव सेफ नहीं है वो, किल्ड जो है वो सेफ है प्लस स्टेबल है। किल्ड वैक्सीन जो होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन में, प्रेगनेंसी में हम लगा सकते हैं, जबकि लाइव वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को हम नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो लाइव वैक्सीन होती है उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, जबकि जो किल्ड वैक्सीन होती है उसकी भी उसकी भी पैथोजेनिसिटी जो है वो कम होती है, साथ ही साथ इसकी इन्फेक्टिविटी भी जो है वो कम होती है। तो ये तो डिफरेंस हमने समझा लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन। तो ट्रिक है मेरे पास इस चीज को लेके, अगर मैं लाइव वैक्सीन की बात करूं तो लाइव वैक्सीन का ट्रिक है माई मिस्टर VIP, और किल्ड वैक्सीन का अगर मैं ट्रिक का बात करूं तो जापान की फिकर। तो माई मिस्टर VIP, एम स्टैंड फॉर मीजल्स, वाई स्टैंड फॉर येलो फीवर, एम स्टैंड फॉर मम्स, आर स्टैंड फॉर रूबेला और रोटा वायरस, एंड वी स्टैंड फॉर वेरिसेला जूस्टर, आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा, एंड पी स्टैंड फॉर पोलियो ओरल वैक्सीन। अगर मैं इसी में बैक्टीरियल की बात करूं लाइव में बैक्टीरियल वैक्सीन की, तो टाइफॉइड प्लस BCG। BCG से हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये लाइव वैक्सीन है कि किल्ड है, तो ये लाइव वैक्सीन है, प्योरली लाइव वैक्सीन है। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि व्हाट आर द किल्ड वैक्सीन, तो ट्रिक क्या बताया था मैंने, जापान की फिकर। जापान से जापानीज इंसेफेलाइटिस की इसमें साइलेंट है, फिकर में पी स्टैंड फॉर पोलियो IPV इंजेक्टेबल वाली, एच स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस ए, के स्टैंड फॉर काइनूर फॉरेस्ट डिजीज, आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एंड आर स्टैंड फॉर रेबीज। इसमें अगर मैं बैक्टीरियल की बात करूँ किल्ड वैक्सीन में, तो इसमें आपका पर्टूसिस, ये चार्ट मैं लगा रही हूँ बगल में, इसको आप देखें और इसको नोट डाउन जरूर करें कि किल्ड कौन सी है और लाइव कौन सी है। वैसे तो हम जहाँ तक जानते हैं 2 ही टाइप हमें पता है मोस्टली कि लाइव वैक्सीन भी होती है और किल्ड वैक्सीन भी होती है, बट यहाँ पे लाइव वैक्सीन प्लस किल्ड वैक्सीन दोनों ही अगर मिक्स दोनों ही अगर वैक्सीन है, ऐसी ऐसी वैक्सीन भी हैं जो कि लाइव भी हैं और किल्ड भी हैं, तो ऐसी वैक्सीन मात्र 4 वैक्सीन है। पहला जो है वो है आपका इन्फ्लुएंजा, ऑलरेडी हमने देखा कि वो लाइव में भी है वो किल्ड में भी है। दूसरा जो होता है वो टाइफॉइड है, तीसरा जो है वो प्लेग है, और चौथा जो है वो कॉलरा है। तो ये 4ों वैक्सीन मिक्स हैं, मतलब किल्ड भी है और लाइव भी है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या इसके कंपोनेंट हैं वैक्सीन के, तो देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन। किस किन चीजों से मिलके वैक्सीन को बनाया जाता है, तो 4 चीजें हैं हमारे सामने। सबसे पहला एडजुवेंट है, दूसरा एंटीबायोटिक्स है, तीसरा जो है प्रिजर्वेटिव है, और चौथा जो है वो स्टेबलाइजर है।
जो हमारा एडजुवेंट है, मतलब अलग से कोई सब्सटेंस वैक्सीन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसको एडजुवेंट बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम फॉस्फेट। अगर मैं बात करूं एंटीबायोटिक्स की, तो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में काम करने के लिए हम वैक्सीन के अंदर एंटीबायोटिक्स डालते हैं, इसका एग्जांपल है नियोमाइसिन। अगर मैं बात करूं प्रिजर्वेटिव की, तो प्रिजर्वेटिव जो कि वैक्सीन को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, जो वैक्सीन को खराब नहीं होने देती, तो इसमें दो तरीके दो चीजें आती हैं एग्जाम्पल में, फॉर्मल्डिहाइड एंड थियोमाइसिन। अगर मैं बात करूं स्टेबलाइजर की, जो कि वैक्सीन को स्टेबल रखती है, उसकी इफेक्टिवनेस को बनाए रखती है, तो वो है आपका सोडियम प्लस पोटेशियम सॉल्ट। तो इसमें से क्वेश्चंस पूछता है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं, एडजुवेंट कौन सा यूज हुआ है, कौन सा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट आ सकते हैं, एडजुवेंट से क्वेश्चन आए हैं प्लस प्रिजर्वेटिव से क्वेश्चन आए हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं बीसीजी। बीसीजी का जो एडवर्स इफेक्ट है वो है लिम्फेंडाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। अगर मैं बात करूं टिटनेस की, टिटनेस टॉक्साइड की, तो इसका जो है दो इसका एडवर्स इफेक्ट है, एक तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, दूसरा ब्रेकियल न्यूराइटिस है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डीपीटी की, तो इसमें इन्फ्लुएंजा है प्लस सीजर है। अगर मैं बात करूं ओपीबी की, तो ओपीबी में वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस। मैं बात करूं इन्फ्लुएंजा की, तो इसमें गुलेन बेरी सिंड्रोम प्लस सीजर। अगर मैं बात करूं जेई की, तो इंसेफेलाइटिस। अगर मैं बात करूं एमएमआर की, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एमएमआर में आपका थ्रम्बोसाइटोपिनिया है प्लस आपका फेब्राइल सीजर। तो इतने मतलब एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। लास्ट वाला जो एमएमआर का मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो दो है, एक थ्रम्बोसाइटोपिनिया है, दूसरा फेब्राइल सीजर है। तो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। तो हमने क्या चीज पे बात करी, सबसे पहला वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन। तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सबस्टेंस विच प्रोवाइड द एक्टिव अडॉप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज अ रेसिस्टेंट पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वी डिस्कस रिगार्डिंग द लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन डिफरेंस एंड द नेम्स ऑफ द लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन। सो ट्रिक माय मिस्टर वीआईपी फॉर द लाइव वैक्सीन एंड किल्ड जापान की फिगर। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वैक्सीन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। तो आज मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमेशा 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 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। अब दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सो दैट इज ओपीवी, एंड मोस्ट हीट रेसिस्टेंट जो वैक्सीन है वो है आपकी टीटी। तो दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हीट सेंसिटिव एंड मोस्ट हीट। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने बात कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वैक्सीन के बारे में, वो आपको समझ में आई होंगी, और आप उन चीज़ों को बार 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 रिवाइज करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और एक दिन आपका जो है, जो भी आपकी ड्रीम है, वो आपको ज़रूर पूरा मिलेगा। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें जो है बार 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 आपके सामने आएंगी, और इन चीज़ों को आपको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है। थैंक यू सो मच, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।